श्रीरामपुरा के उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पर पाबंदी के बाद मस्जिद के आसपास पुलिस अलर्ट नजर आई है। ग्रेटर नोएडा के मस्जिद पर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद पर लाउडस्पीकर की पाबंदी के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। हम इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं आज जुमे की अलविदा नमाज है, यानी शुक्रवार है, आज जो जुमा है वो अलविदा होगा। इसी के चलते आप देखोगे मस्जिद पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सड़क पर आपको कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। या कहें कि कहीं ना कहीं सरकार का आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का कि जो कहें तो नमाज है वो मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएगी, सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि जो जाम से लेके तमाम तरह की समस्याएं थी वो होती थी। ऐसे में अब निजात दिलाने के लिए सरकार ने तमाम जिलों के धर्मगुरुओं से बातचीत की गई और साथ ही जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो जमीन कहें तो जो मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज है वो अदा नहीं करेगा, जो नमाज होगी वो मस्जिद के अंदर होगी। जिसके चलते कहीं ना कहीं तमाम जो जिले हैं उसमें पुलिस फोर्स भी मस्जिद के आसपास तैनात की गई है, जिसके चलते लोगों को जागरूक किया जाए और जो नमाज है वो मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, ना कि सड़क के बाहर। ग्रेटर रत कुमार, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के।